अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अंबिमा, आज सिर्फ थारी वजह से हमारे बन्नासा का इतना मान बढ़ा है, धन्यवाद। तो फिर पेपर साइन करें अभी? बाड़मेर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हमारी तरफ से 25 करोड़ रुपए। ये लीजिए, अब दोनों साइन करिए। जो जन्म जन्म के साथी हो वो इस प्रोजेक्ट में भी साथ हो जाए तो कितना अच्छा होगा। नाना गायत्री जी, हम ऐसा ना कर सकते। हम इसमें ऐसा कैसे ले सकते हैं? ये क्या कह रही हो विधि? पत्नी है आप अबीर की, आपका इनकी हर चीज पे हक बनता है। सुख में दुख में तो हम हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन काम की भाग दौड़ बन्नासा ने अकेले की है तो इस पे सारा हक बन्नासा का ही हुआ। हमारे हक में बस उनके सारे सपने पूरे हो जाएं, और कुछ ना चाहिए हमारे को। सच अबीर, आपने पिछले जन्म में जरूर मोती दान किए होंगे, जो इस जन्म में भी आपको विधि जैसी इतनी समझदार पत्नी मिली है। अबीर, हो गया प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, अबीर और विधि के इस जन्म के प्यार ने हमारा दिल जीत लिया। हम डील साइन कर रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हमें तो लगता है कि अब विधि को अपना मुंह मीठा करना ही चाहिए। आखिर ये डील विधि की वजह से ही तो हुई है। अबीर, आप विधि का मुंह मीठा तो कराइए। इसमें कोई शक की बात नहीं है। बन्नासा, आपकी आवाज धीरे धीरे वापस आ रही है। एक मिनट। अरे भाई, इस खुशी के मौके पर शंखनाद तो बनता ही है। जी लगता है अंबे माँ पूरी शक्ति से आपको आशीर्वाद दे रही है। अभी देखा बन्नासा, अब सब सही हो रहा है। ऐसे आपकी आवाज भी ना बहुत जल्द पूरी तरह आ जाएगी। ईश्वर करे कि आप दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे, खूब खुश रहिए। हम चलते हैं। घड़ी खम्मा, चलो भाई, अच्छा है कि ये डील साइन हो गई। और अब अबीर का इस लड़की का झूठा पति बनने का नाटक भी खत्म हुआ। चलिए चलिए, अब हम सारे लोग अबीर और त्रिशाला की शादी की फिर से धूमधाम से तैयारियां शुरू करते हैं। चलिए सब लोग।
थैंक यू विधि। काम की भागदौड़ बन्ना सा ने अकेले की है तो इस पे सारा हक बन्ना सा का ही हुआ। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये वो क्या रहा है। इतना अच्छा मौका था उस लड़की के लिए, इतने पैसे उसने अपनी लाइफ में भी नहीं देखे होंगे, सपने में भी नहीं देखे होंगे, लेकिन उसने सब कुछ ठुकरा दिया। कहीं हमें विधि को समझने में कोई गलती तो नहीं हो गई? वाह 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 बोला अबीर, वाह। फंस गया ना उसके जाल में, फिर से बेवकूफ बना रही है वो, खेल खेल रही है आपके साथ और कुछ नहीं। विधि के लिए तो आपके दिल में सिर्फ नफरत होनी चाहिए, सिर्फ नफरत और कुछ नहीं। वही तो नहीं कर पा रहे हम, जितनी कोशिश करते हैं उससे नफरत करने की उतना ही उसके करीब जाते जा रहे हैं, उसे पसंद करते जा रहे हैं। हमें तो लगा था कि उसने हमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए ली, लेकिन उसने साबित कर दिया आज तक उस लड़की ने ना एक पैसा कभी लिया है और ना ही कभी एक पैसा मांगा है। आज भी इतना अच्छा मौका हाथ लगा था, बिना कुछ सोचे समझे पीछे हट गई, पीछे हटी ताकि झपट कर बड़ा हमला कर सके। ये सब उसकी चाल है और कुछ नहीं। कैसी चाल? अगर कोई चाल चल रही होती तो उसने कितनी बार अपनी जान को दांव पे लगा के हमें बचाने की कोशिश की है, हमें बचाया है। जब हमारे ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगा था, हमें दिव्या ने फंसाने की कोशिश की थी, वो हमारी ढाल बन के खड़ी थी, सबसे लड़ी थी वो, उसकी यही अच्छाई हमारे नफरत की दीवार को तोड़ने लगी है। हमें लगता है कि हम खींचे चले जा रहे हैं उसकी तरफ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर विधि ने आपको अपने चुंगल में फंसाई ली, आप भूल रहे हैं अभी आप सिर्फ त्रिशाला से प्यार करते हैं, सिर्फ त्रिशाला से। और जिस विधि की तारीफ के पुल बांध रहे ना, उसने आपकी मां हुकुम को मारने की कोशिश की थी। अपनी आंखें खोली और सच देखी अबीर। हेलो विधि, आप ठीक तो है ना? आप पहुंच गए? देखिए विधि, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हमने अंबे माँ के आगे आपके नाम का पुष्प अर्पण कर दिया है। आप देखिएगा उस रेत पुष्प को लाने में आप जरूर कामयाब होंगे। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप बिल्कुल प्रथा के अनुसार दुल्हन की तरह सज धज कर उस पुष्प को लेने के लिए जा रही। माँ अंबे का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। हे अंबे माँ, तूने मारे को पुनर्जन्म देकर जो वरदान दिया है, मैं बन्ना सा को याद दिला कर ही रहूंगी कि वो मारे राणा सा है, बस वो रेत पुष्प ढूंढने में मारी मदद कर दे माँ। काका साहब, आपको पता है कि विधि का है? वो तो शादी की तैयारी के लिए कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार गई ना, क्यों आपको अचानक विधि की याद कहाँ से आ गई? याद नहीं है काकू साहब, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कंफ्यूज करके रखा है ना उस लड़की ने, समझ में नहीं आ रहा कि वो भोली बाली है या चालाक है, मतलब इतनी सारी चीजें हो गई। अब देखिए इसका जवाब तो आप खुद ही दे सकते हैं, आप अपने दिल से पूछिए। यही तो प्रॉब्लम है ना काकू साहब, दिल ही है जो हर बार उसकी गवाही देता है, लेकिन जो दिमाग है ना हर बार उसके गुनाह याद दिला देता है, समझ में ही नहीं आ रहा। बैठिए बैठिए, ये जो दिमाग है ना वो ना हमेशा कंफ्यूज करता,
दिल है ना, वो हमेशा सही रास्ते पर लेके जाता है। हाँ। आप भी ना काको सा, इतनी सीरियस बात कर रहे हैं पर आप हंसे जा रहे हो। अभी जब से ये जूस पिया है ना, हंसी रुकी नहीं रही है। यहाँ जिंदगी में इतने आंसू लिखे हैं, लेकिन आप हंसे जा रहे हो। आपको हंसी की पड़ी है। कितने बेवकूफ हैं दोनों, इन्हें जरा सा भी शक नहीं हुआ कि जूस में हमने नशे की दवा मिलाई हुई है। अब बिल्कुल प्रथा के अनुसार दुल्हन की तरह सज धज कर उस पुष्प को लेने के लिए जा रहे। माँ अंबे का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। अब विधि अबीर को उसका पिछला जन्म याद दिलाने के लिए रेत पुष्प ढूंढती रहेगी और हम यहाँ अपने काम को अंजाम देंगे। काके साहब उठो। काके साहब उठो। अरे अबीर, क्या कर रहे हैं? सोने दीजिए ना उन्हें। बात करते करते सो गए, हम उठा रहे हैं। तो कोई बात नहीं ना, अगर वो सो गए हैं तो उन्हें सोने दीजिए। आप देखिए, शाम को हमारी मेहंदी की रस्म है ना, आप चलिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं। आप ऐसे आए ना, आइए अबीर, आइए 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 आइए। ये रेत पुष्प तो कहीं ना दिख रहा, ना जाने वहां हवेली में क्या हो रहा होगा। मैं विश्वास काका साहब को फोन करती हूँ। सर घूम रहा है हमारा। आराम से। सर क्यों फट रहा है हमारा, समझ में नहीं आ रहा है। अबीर की बेहोशी और विधि का घर पर ना होना। हम सुकून से अबीर के साथ अब रात बिताएंगे और उसके बाद अगर विधि अबीर को उसका पिछला जन्म याद दिला भी दे तो अबीर हमसे शादी करने से इनकार नहीं कर पाएंगे। अबीर, हमारी तरफ देखिए, कैसे लग रहे हैं हम? बहुत खूबसूरत। कितने दिन हो गए हम ठीक से गले तक नहीं मिले। अबीर, ये विधि भी ना, विधि की पोटली, हमने हर बार हम कहते हैं, नहीं बड़ी भक्कर लड़की ना, हर बार हम कहते हैं कि अपनी पोटली अलमारी में रखा कर, लेकिन नहीं, एक नंबर की भुलक्कड़ है, हमें ही रखना पड़ेगा। नशे में भी अबीर उस कव्वार का नाम ले रहा है। हमारी कही हर बात उसके सर के ऊपर से जा, सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन हमें मुसीबत से बचाना कभी नहीं भूलती। नंबर की पागल लड़की है, सच में हमें तो समझ में। अरे अबीर, आपका सर चकरा रहा है, लाइए हम दबा देते हैं, आइए। कैसा लग रहा है अबीर, थोड़ा बेटर फील कर रहा है? सब ठीक है, लेकिन जब विधि सर दबा दी थी ना तो सारा सर दर्द एकदम से चले जाता था। उसके हाथों में ना जादू है, सब लोग रोज रोज नए इल्जाम लगाते हैं उस पर, यहाँ तक दादो साहब ने तक उस पर इल्जाम लगाया, लेकिन हमारा मन नहीं मानता, हमारा दिल नहीं मानता कि वो इतनी बुरी है। आज चाहे कुछ भी हो, पूरा दिन बन्ना सा ये बन्ना सा वो बन्ना सा करती रहती है वो। और अगर हम गुस्से में बात कर लें तो हमें भूकंप सा कह के बुलाती है, ये भी कोई नाम है? जितनी शैतान है ना उतनी प्यारी भी है।
हे अम्बे माँ, मारा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे त्रिशाला बन्नी सा कोई नई चाल चलने जा रही है? छोड़िए ना आप विधि की बातें, हमारी शादी है, हम हमारी बात करते हैं। एक काम करते हैं, डांस प्रैक्टिस करते हैं, चले? चलिए ना, आइए हमारे साथ। अबीर, 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 उठिए अबीर। ये अबीर तो सो गया, लगता है नशे की दवा थोड़ी ज्यादा हो गई। अबीर, आपने हमें कॉल किया था? प्रणाम गायत्री जी, हम निशांत हैं। आप हमें कुछ दिखाना चाहते थे? हाँ जरूर, आइए ना, अंदर आइए, बैठ के बात करते। गायत्री देवी को जब पता चलेगा कि अबीर जिस पे वो इतना भरोसा करती है वो विधि के साथ नहीं किसी और के साथ रंगरलिया मना रहा है तो वो खुद ब खुद ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर देंगी। प्लीज हैव अ सीट, बैठी बैठी जी। दरअसल बात ऐसी है कि आप पहले ही हमसे मिले बिना चली गई थी, हमारी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई थी, तो हमने सोचा कि ये शुभ काम जल्दी कर लेते हैं। मेरा नाम निशांत तोमर है। इस प्रोजेक्ट में जो एक्चुअली है वो मैंने भी बहुत मेहनत की। अब बात ऐसी है कि गायत्री तेरी निशांत से क्या बातें कर रही है? आपसे क्या छुपा रहा? अबीर बना जो है वो इस प्रोजेक्ट के सिर्फ चेहरे हैं, मतलब जो सारी मेहनत है वो हमने की है। अब ये इन्होंने इनके बारे में क्या ही कहें, बस मैं ये चाहता हूँ कि जब हम काम कर ही रहे हैं साथ में तो ये प्रोजेक्ट की कुछ पेपर्स हैं, इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, फाइल है, मैं चाहता हूँ कि आप ये देखें। जी अगर ऐसी बात है तो हम जरूर देखना चाहेंगे, एक मिनट।
रुक जाइए, हम आपकी मदद कर देते हैं। ये लीजिए, मिल गया। गायत्री जी, क्या सही समय पे आई हैं आप? आरती लीजिए। जी। हे भगवान! निशा, क्या करें आप? रुकिए, लग जाएगी बेटा, मत कीजिए ऐसा। निशांत, समझ के, निशांत।